हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोग बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज है 40x40 और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई की, जो कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है वो हमारे पास है 40 फीट, और जो हमारी प्लॉट की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ सामने तक वो भी हमारे पास है 40 फीट है। तो टोटल 1600 स्क्वायर फीट एरिया प्लॉट का है और वेस्ट फेस है, पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुख है। जो रोड है वो सिर्फ एक ही साइड है पश्चिम दिशा की तरफ और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है, किन्नी और का भूखंड है। तो चलिए दोस्तों इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले 11 फीट का मेन गेट आ रहा है साउथ वेस्ट कॉर्नर पर। इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं पार्किंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट x16 फीट। 13x16 का हमारे पास पार्किंग एरिया। यहाँ पर आपकी आराम से एक बड़ी कार और एक या दो बाइक खड़ी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये जो आपको बेडरूम दिख रहा है, इस बेडरूम तक यहाँ तक हमने 3 फीट 3 इंच का हमने यहाँ पर छोटा सा वरामदा छोड़ रखा है। अब चलते हैं यहाँ पर पार्किंग आया, पार्किंग के जैसे सामने यहाँ पर देखिए, हम जैसे ही 2-3 स्टेप करते हैं तो हमारे पास आ रहा घर का मेन डोर, मुख्य दरवाजा 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो पहुँचते हैं लिविंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 13 फीट x12 फीट 4.5 इंच। 13x12 फीट 4.5 इंच का हमारे पास लिविंग एरिया, जिसके अंदर आप यहाँ से लेके यहाँ तक सोफे लग जाएंगे और यहाँ पर बीच के अंदर आपकी टेबल लग जाएगी। और इस लिविंग एरिया की 4 फीट की विंडो हमारे पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है। और अब यहाँ पर देखिए कोई दरवाज़ा वगैरह नहीं है, यहाँ पर सीधा आर्च है। अब लिविंग एरिया से सीधा इस तरफ चलते हैं तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग एरिया के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट x17 फीट 9 इंच है। 12 फीट x17 फीट 9 इंच का हमारे पास ये पूरा डाइनिंग एरिया, जिसके अंदर स्टेयर केस भी शामिल है। यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे और 3 फीट x3 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग है। ये यहाँ पर आपकी डाइनिंग टेबल लग जाएगी और यहाँ पर आपकी टीवी लग जाएगी। और फिर इस तरफ चलते हैं हम डाइनिंग एरिया के, तो यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाजा और ये हमारा किचन आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 9 फीट x13 फीट है। 9x13 का किचन है, यहाँ पर आपका वर्क एरिया जो भी आपकी स्लेट लगती है वो लग जाएगी। और इस किचन की 3 फीट की विंडो यहाँ पीछे पूर्व दिशा के अंदर हमने OTS छोड़ रखा है, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फीट x12 फीट, जिसके अंदर इस किचन की 3 फीट की विंडो निकल रही है। और इस OTS के अंदर जाने के लिए यहाँ पर देखिए स्टेयर केस के यहाँ पर हमने 2.5 फीट का दरवाज़ा दे रखा है, अगर आप इस OTS के अंदर जाना पड़े तो यहाँ से हमारा 2.5 फीट का हमने दरवाज़ा दे रखा है। अब किचन से वापस बाहर आते तो ये हमारा पूरा डाइनिंग एरिया हुआ। अब डाइनिंग एरिया की इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और ये हमारा बेडरूम आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट x14 फीट 4.5 इंच है। 12 फीट x14 फीट 4.5 इंच का हमारे पास ये बेडरूम है, जिस बेडरूम की 3 फीट की विंडो इस OTS के अंदर निकल रही है, जो पीछे हमने पूर्व दिशा के अंदर दे रखा है। और यहाँ पर आपका बेड लग जाएगा और यहाँ पर आपकी वार्डरोब हो जाएगी और बेड के सामने इस यहाँ पर इस दीवार पर आपकी टीवी लग जाएगी। अब इस बेडरूम से आप इस बाहर आते तो इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाज़ा और कॉमन टॉयलेट आ रहा है, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फीट x7 फीट है। 7x7 का हमारे पास कॉमन टॉयलेट है, जिसका वेंटिलेशन यहाँ पर हमने OTS छोड़ रखा है। एक और जिसकी हमारे पास साइज है 3 फीट 3 इंच x7 फीट का OTS है, जिसके अंदर इस कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन निकल रहा है। अब कॉमन टॉयलेट वापस बाहर आते तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3.5 फीट का दरवाज़ा और एक और बेडरूम आ रहा है, जिसके हमारे पास साइज है 12 फीट x12 फीट। 12x12 का हमारे पास बेडरूम है, जिसके अंदर आपका यहाँ पर बेड लग जाएगा, यहाँ पर वार्डरोब हो जाएगी और बेड के सामने यहाँ पर टीवी लग जाएगी। और इस बेडरूम की 4 फीट की विंडो सामने पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। अब इस बेडरूम से वापस बाहर आते इसके जस्ट पास में यहाँ पे देखिए 3.5 फीट का दरवाज़ा और इसको हम जैसे ही खोलते हैं तो एंटर होते हैं बेडरूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फीट x12 फीट। 12x12 का एक और बेडरूम है, जिसकी 4 फीट की विंडो भी पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है, जिसका यहाँ पर एक आपका बेड लग जाएगा और यहाँ पर वार्डरोब हो जाएगी इस दीवार पर, और इस दीवार पर आपकी टीवी लग जाएगी। और इस बेडरूम की एक विंडो सामने निकल रही है और एक विंडो हमारी पार्किंग एरिया के अंदर निकल रही है 4 फीट की। तो चलिए दोस्तों मैं अब आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों वेस्ट फेस है और यहाँ पर आपकी रोड हो गई, ये हमारा पार्किंग एरिया, यहाँ पर 11 फीट का मेन गेट, ये मेन डोर, यहाँ पर लिविंग एरिया, ये आपका डाइनिंग एरिया विथ स्टेयरकेस, यहाँ पर ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये OTS, ये कॉमन टॉयलेट, ये बेडरूम, ये OTS और यहाँ पर हो गया किचन। तो चलिए मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों हम लोग सामने स्टार्ट हो रहे हैं और पीछे की ओर चल रहे हैं। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स।